वाले मने आपके मंकल रजक दरबार में टेगड़ा उनकी कुश्ती का, काल बेरुख दरबार में हुई मटर गश्ती का, इनका सबका समाचार दिखाया था। कानून व्यवस्था का मजाक बनाता वीडियो तो हूँ लगभग रोज दिखाई रहा हूँ। ई रिक्शा वाला, मैजिक वाला यातायात को मजाक बना ही रहा, यातायात वाला मूल काम छोड़ी बाकी सब कर ही रहा, ये भी टेम टेम पे दिखाते रहूँ। अबे सुनो मुद्दों कही है, मुद्दों यो क्या इतना सब रैपर ट्रोलिया उनसे आम जनता के बीच में धीरे धीरे गुस्सा पनप तो जा रही हो। कई पता कई मुख्यमंत्री जी तक सही साठ जानकारी पहुंची पाई रही के नहीं, कई पता कई जिम्मेदार इनके खाली झांकीबाजी पिक्चर उन्हें दिखाई रहा है। हकीकत यह है कि जनता के बीच पनप तो जा रही हो, असंतोष अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ तो जा रही हो। चलो विरोधी उनकी बात मत मानो, हमारा साथ वाला की बात मानोगा? अपने एक पूर्व सांसद ने आलोट वाला विधायक जी चिंतामणि मालवीय साहब ने आज सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली, इनने उज्जैन का नेताजी उनके नसीहत दे दी। नीलेश गुप्ता जी भाजपा का जे इनने बकायदा मंदिर उनमें टेकड़ा की लड़ाई पे मजाक बनायो। कोई भैया शारिक खान साहब उज्जैन का बदहाल यातायात को ये भी एक फोटो डाली रहा है। भाई ललित चौहान साहब सवाल कर रहा कि उज्जैन का लोग उनने आखिरी बार जब मंकल राजा जल कद अर्पण करियो थो। सुनील सिंह भदौरिया जी अपनी पोस्ट में मंदिर का गार्ड वाली एजेंसी खिंचाई करी रहा। एक एडवोकेट अंकित जैन साहब ये बिजली कंपनी वाला उन पर अपनी बढ़ास निकाली रहा है। या है जमीनी हकीकत, नी तो बिजली की व्यवस्था लोग खुश, नी यातायात से, नी कानून व्यवस्था से, नी मंकल रजाक मंदिर से। हूँ बुराई नहीं करी रहा हूँ, बुराई करनो कणिक नीचे दिखाना अपनी आदत में भी नहीं है, पर कभी कहीं नाराजी है, नाराजी बढ़ती जा रही है तो विके दिखानो, विके सामे लानो, यो तो अपना काम है। चलो इनकी मत सुनो, राखी का एंड पहला भाई उनके लिए राखी खरीदवान पहुंची, इन बेणिया उनकी सुनी लो। यह घटना तो रविवार सांझ की फिरीगंज की है, मादा नगर वाला थाना बाहर जमा हुई इन सगली बेणिया उनका सही सांझ भरिया बाजार में मंगल सूत्र उन तड़ी गया कि तेरा मार तू गले में नहीं पहना कुछ भी, तो मैं तो मंगल सूत्र पहन के बस इतनी देर में तो वो पता नहीं कहाँ चली गई काट के। और आपके साथ क्यों थी? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ये। मैं ना राखी बाजार कर रही थी तो वहाँ पे बच्चा, मैंने एक छोटा बच्चे को बच्चा परेशान करा तो वो राखी के लिए मैं उसको राखी दिलवा रही थी, तो उसने मेरे को टारगेट करा कि बच्चे में परेशान है तो उसमें उसने काटा मेरा मंगलसूत्र। सर मैं तो राखी बाजार कर रही थी, राखी बाजार करने के बाद बच्चों को बच्चों में लग रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी बहन आई कि वहाँ पे ना सबके मंगल सूत्र है ना, कोई लेडीज के काटा, सीसीटीवी कैमरे चेक करा रहे तो तू भी देख, सब अपने अपने चेक करो। जैसे ही मैंने चेक करा तो मेरे गले में ही नहीं था। अच्छा 80,000 के समथिंग था, यानी 18 मोती थे और क्या नाम 38 हाँ 39-40,000 का पेंडल था। मेरा 45,000 का अभी, हाँ मेरी बेटी की शादी हो रही थी जब मैंने दोनों को, हम दोनों माँ बेटी का बनवाया। टोटल कितने मंगलसूत्र गए अभी? तीन गए, तीन तो इधर केस आए उसके बाद आगे मालूम नहीं। आप बताओ कि वहाँ पर थे, आपने देखा? वहाँ पर मैं थी ना, मैं मेरी दीदी के साथ नारियल गोले ले रही थी, गोले ली और मैं पैसे निकालने गई और उसने इतने कैन कर दिया, मैं पैसे में बिजी थी निकालने में कि मैं पैसे निकाल के दूँ उसको जब गोले वाले को। फिर हम थोड़ी सी आगे गए और फिर मैंने ऐसा पलट के देखा, मेरी बहन थी तुम्हारा तो गले में कुछ भी नहीं है, पहन के नहीं आई मंगलसूत्र, मैंने ऐसा बोला उनको। बस इतने में हम वापस पलट के आए, ये तीन तो इधर हाजिर हुए, फिर आगे मालूम नहीं और अभी भी औरत उधर ही है। मैं और मेरी दीदी हम लोग राखी बाजार में थे और किसी गिरोह चल रहा है, वहाँ पे टारगेट बनाते हैं कि जिसके पास लेडीज है, बच्चे है या वो कोई चीज़ों में बिजी है, उन लोगों को है ना वो टारगेट करके उनका चेन स्नेचिंग का चल रहा है, मंगलसूत्र काट रहे हैं वो। और ये गिरोह मेरा एसपी साहब से विनम्र निवेदन है कि है ना ऐसे गिरोह को पकड़ कर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कितना टाइम से कर रही है जी सर? हमने यही देखा था, ये आंटी आए थे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, मतलब तो हमने वहाँ पे सुना, तो हमने हमारी मतलब बहनों को जाके बोला कि आप चेक करो, तो उन्होंने जैसे चेक किया उनके गले पे मतलब मंगलसूत्र नहीं था। उतने एरिया में हुआ जब राखी बाजार लगा था ना, उसी दौरान हुई है, मतलब ये जो हुई है ना, मतलब कार्रवाई जो हुई है। रविवार दोपहर चक कमेल आड़ी को एक ट्रक वाला बेंडा पूत ने एक गाय के लपेटम ले ली, गाय मौका पेच खत्म। यह घटना वक्त बाद नरासरा हिंदूवादी संगठन वाला मारा बेरुनिया बेला हुई जान जाम लगाई दियो। कोई एक घंटा तक आखा आगा रोड पे गाड़ियां फंसी रही, नरा लोग परेशान उतरिया। या तो हुई ट्रक वाला करतूत की आगा रोड वाली घटना, इंदौर रोड पे तो एक अलग ही तरह कांड हुई गयो, यहाँ तो एक अकेला ने जाम लगाई मिलियो। कहिया कौन एक दिमागी बीमार थो,
बहके जचेत लायो घर से निकाली के सटू कौन बलता में चलता रास्ता लोग उनका माथा रंगी दिया, दो चार कार उनका कांच फोड़ी लख्या, बड़ी मुश्किल से काबू में आयो। मैं यहाँ अंदर मरीज देख रहा था तो उतनी देर में एक पेशेंट आया, वो बताने आया कि पागल सड़क पे घूम रहा है बड़ा लोहे का डंडा लेके और वो सबके गाड़ियों के कांच फोड़ रहा है। एक आगे सेल्टोस कार खड़ी है इसका भी उसने कांच फोड़ दिया, मेरी गाड़ी भी खड़ी थी इसका भी कांच फोड़ दिया और फिर वो रॉड लेके कहीं फंस गया। लो साहब, महादेव ढाबा वाला भाई उन पे डहरिया स्वाद के दुनिया में सितम, सब्जी भाजी का पेला लोग दीवाना, ऊपर से भरी रिया जोधपुरी कचौड़ी दम। हाँ साहब, सही साइड सुनिया आपने, जोधपुर वाला कचौड़ा को ओरिजिनल स्वाद कभी जोधपुर जाए बिना मिली जाए तो कई कहना। महादेव ढाबा पे अबे आपके मिलेगा जोधपुरी कचौड़ा, फेमस हल्दी वाली सब्जी न और भी दूजा नवा आइटम, उन ऐसा कई नहीं चखिया होगा यहाँ जैसा। पता तो आपको याद होगा, सही फिर से बताई दू, तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वालो फोर लेन, पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। चलो अब इनसे मिलो, बननगर वाला थनक बारे टुंडा हाथ से कुकड़ू कुक करी रही दो पट्टा, उन एक को नाम राहुल गिरवाल ना दूजा का नाम संतोष, जबरो थो इनका खिलाफ रोष, हरकत जैसी थी उज्जैन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वाली मूर्त के खंडित करवा वाला का हस्र देख लिया था, इका बात भी सेम टू सेम हरकत करी मेली, आधा पाव फसाई केन बननगर खड़क नवादाज वाला चौक में लगी महाराणा प्रताप जी की मूर्त से छेड़छाड़ करी के ना आई गया। यह घटना 4 अगस्त की है, थाना में रिपोर्ट का बाद जब कई कार्रवाई नहीं हुई तो 16 के मैंने परसू करनी सेनान सर समाज वाला भाई बेनिया उन ने मिली केन बननगर तहसील का सामने जबरो जाम लगाई दिया था, पुलिस तो चिड़ी बैठी थी, जहाँ हाथ आया तो एक को जिमना हाथ क्षतिग्रस्त दूजा को डाबो, मैंने 2-3 महीना तो दो के निपटने का फजीता। त्याग करो ऐसे लोगों का, बंद करो ऐसे लोगों को माला पहनाना, कब तक पहनाते रहोगे? जब वो आपको नहीं समझना चाहता तो आप क्यों समझना चाहते हैं? कृत्य के अज्ञात आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में आपके द्वारा की गई मांग कि इस संबंध में बिंदुवार जानकारी इस प्रकार है। पहला बिंदु है, उपरोक्त अज्ञात प्रकरण में विशेष 3 टीमें गठित की गई हैं। आज तो अपना मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ उज्जैन में घरे छुट्टी मनावाने आया था, राकेब मना काम से छुट्टी मनावाना आज काय वास्ते बेने उन खातर। इना मामला में शिवराज जी मामा जी बात कदी दूजो कोई खुशकिस्मत है तो भी ईज है, थोड़ी इन बहुत 15,000 से ज्यादा बेने उनने राखी बांधी होएगा, आखा दन नरी जगह गया नरी जगह राखी बंधाई, कहीं खेरची में कहीं थोक बंद, इतना सब कार्यक्रम उनमें नरी वाता हुई पर एक बात कामन रही, सगली जगह विनने एक बात जचाई, हूँ मुख्यमंत्री बाद में हूँ पहला बेने उनको भाई हूँ। मुख्यमंत्री जी काले मने सोमवार भी यहाँ उज्जैन में रहेगा, मंकल रजक सवारी का दर्शन पाएगा, धर्म विभाग वाला भोपाल का ऑफिस का उज्जैन आया के बाद विक में भी गणपति बिठाएगा। स्वागत है हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी से, आदरणीय बंशीवाल जी आपके बीच में, आपके भाई आपके बीच में रक्षा सूत्र बनाने के लिए आए और बहनों आपके रक्षा सूत्र के कारण आपके भाई आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में रक्षा सूत्र बना। स्नेह से ओत प्रोत कर देने वाला त्योहार हमारे सनातन परंपरा का सावन का महीना मना, आपके नरी जगह कावड़ जत्रा उनका कलश जत्रा उनका दर्शन कराया, आज आप लसूड़िया मंसूर गांव वाला छोरा उनकी डाक कावड़ का दर्शन पहलो, कोई 65 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप दौड़ता हुआ छोरा उन 2 घंटा 50 मिनट में उज्जैन तक कावड़ लेके आया ने मंकल राजा का अभिषेक करियो, ये नहीं गजब का जोश। पिपली नाका आड़ी का तिलकेश्वर वाली बस्ती से गया कोई 15 साल से चुराओं ने को एक टुल्लर रामदेवरा ढोकवान जा रियो, शीतला माता नवयुग मंडल वाला मारा भाई उन रामदेवरा वास्ते रवाना हुआ तो आखी बस्ती ने इनको स्वागत करियो विदाई दी है।
We'll be right back.